तो सबसे पहले इसके लिए पैन लें, पैन को गरम करें, उसके बाद इसके अंदर घी डालें। ये हमने घी डाल दिया 2 चम्मच। पूरा घी मेल्ट हो जाए जब तक, तो घी यहाँ पे मेल्ट हो चुका है अच्छे से। और थोड़ा सा हम गैस को जो है तेज करेंगे, जो हमारा घी एकदम गर्म हो जाएगा। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे सेमोलिना सूजी। घी यहाँ से चेक कर लेंगे, घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम डाल रहे हैं सेमोलिना जो कि है सूजी। चार बड़े चम्मच यहाँ पे हमने सूजी के डाले हैं, और जो है अब सूजी को जो है बहुत अच्छे से भून लेंगे। सूजी जो है अब डार्क कलर आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा डार्क कलर हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे कोका पाउडर, तो 3 अच्छे चम्मच कोका पाउडर के डाल देंगे यहाँ पे। तो हमारा कोका पाउडर बहुत अच्छे से मिल गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, तो चीनी जो है बेसिकली स्वाद अनुसार रहेगी। हमने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच चीनी का लिया है, और जो है चीनी इसके अंदर मिक्स कर दी है। अभी मैंने पानी नहीं डाला है, पानी हम एक साइड में बॉईल कर रहे हैं केटल के अंदर। अभी मैं आपको पानी भी बॉईल करके इसको दिखाऊंगा कि पानी कैसे जाएगा। अब हमने गैस यहाँ पे ऑन कर दी है, बीच में हमने ऑफ कर दी थी गैस चीनी डालने के वक्त। तो अब आप गैस को ऑन कर सकते हैं और थोड़ा सा इसको चलाएंगे। अब चीनी जो है मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप देखें कितना अच्छा टेक्सचर आया, कितना अच्छा कलर आया है, एकदम डार्क ब्राउन कलर आ चुका है चॉकलेट हलवे का। और बिलीव मी, जब ये चॉकलेट हलवा आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा क्या ये सूजी का हलवा है या आप कोई चॉकलेट पुडिंग खा रहे हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बहुत ही चॉकलेटी ये हलवा बनने वाला है, और बहुत ही झटपट रेसिपी है गाइस। मैं आपको बता दूं, इस रेसिपी में अगर टोटल टाइम की आप बात करें तो मेरे ख्याल से 5 से 8 मिनट इसके अंदर मैक्सिमम लगेंगे, और बहुत ही यमी सी डिश आपके घर पे ही तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर पानी हमारा बॉयल हो चुका है, और हम इसके अंदर बॉइल्ड वाटर जो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने गाइस पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है, पानी ऐड हो चुका है इसके अंदर, सूजी जो है फूलने लगी है, आप देखें यहाँ पे। तो बहुत ही यमी सी यहाँ पे पुडिंग आपको दिख रही होगी, लिक्विडी लिक्विडी सी पुडिंग यह तैयार हो गई है। और अब हमारा सूजी का हलवा जो है कंसिस्टेंसी जो है इसकी गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है। अगर इसकी महक की बात करूँ तो बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी इसकी चॉकलेटी खुशबू आ रही है, और मैं आपको यहाँ से दूर से बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही यमी ऐसा दिख रहा है ये बनने वाला है। और जैसे ये बनके तैयार होगा हम आपको अभी इसकी प्लेटिंग भी करके दिखाएंगे और टेस्ट भी करके बताएंगे कि कैसा इसका टेस्ट हमारा आया है। तो ये आप देखें, अब जो है पानी देखिए एवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया है काफी तेजी से। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, हमने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच सूजी के लिए थे, और जो हमने इसमें पानी डाला है वो 1/2 गिलास डाला है। तो कम से कम अप्रोक्सीमेटली 150 ml हमने पानी का इसमें इस्तेमाल किया है, वो बॉइल्ड वाटर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, कच्चा पानी नहीं डालना है, बॉइल्ड वाटर डालना है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे गैस हमारी मीडियम फ्लेम पे है, मीडियम टू लो फ्लेम पे गैस को रखेंगे। पानी देखिए अब सारा इवेपोरेट हो रहा है, और हमारी हलवे की आप कंसिस्टेंसी देखो तो एकदम बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी हलवे की यहाँ पे बनती हुई। अच्छा कुछ लोग काफी इसको, कुछ लोग लिक्विड ही खाते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा इसको जो है सॉलिड तरीके से खाते हैं, थोड़ा सा लिक्विड ही उन लोग कम रखते हैं, तो वो डिपेंड करता है सबका अलग अलग। बट जो है इसकी कंसिस्टेंसी देखी जाए अगर, तो जो है थोड़ी सी लिक्विड कंसिस्टेंसी रहेगी तो बहुत अच्छा यमी फ्लेवर आ जाएगा इसका। और मेरे हिसाब से अब इसके अंदर जो है ये ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब हम लोग इसको फिनिश करने के लिए क्या करेंगे, आप सभी को मालूम है, फिनिश करने के लिए इसके ऊपर हम डालेंगे चॉप्ड नट्स। चॉप्ड नट्स में आप कुछ भी चीज़ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर आलमंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके ऊपर आप पिस्ताशियोज डाल सकते हैं, कोकोनट का पाउडर डाल सकते हैं, किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है, सर्दियों का मौसम है, ड्राई फ्रूट सभी लोगों के घर में अवेलेबल रहता है, तो जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो आप यूज करें, और जो है इसको गरम गरम सर्व करें। और अभी मैं आपको इसकी प्लेटिंग दिखाने वाला हूँ। तो गाइस हम लोगों ने प्लेटिंग कर ली है चॉकलेट हलवे की, आप देख सकते हैं वाओ कितना यमी ये लग रहा है। और जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोग भी अपने फीडबैक जो है कैसा लगा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आप देखिएगा, वाओ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बन चुका है चॉकलेट।